हाय गाइस, वेलकम टू सीजनिंग टी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल में देख ही लिया होगा, तो इस चालू ओपी ने क्या किया कि जो ये नूर जो आपने सबने देखी होगी थोड़े दिन पहले, इसके ब्लॉग में भी आई थी, जो स्पेशली कानपुर आई थी और ये मोहदा से कानपुर गई थी कहने कि हमें कुछ काम है, और वहाँ पर ये नूर आई थी और उसको हिजाब वगैरह के पैकेट दिए थे और कोलैबोरेशन किया था। तो नूर ने ये इसको पैकेट दिया हुआ है। तो एक्चुअली जब इसका गिफ्ट मिला तो मैंने उसको जूम आउट करके देखा कि इसने हिजाब तो दिए हैं छोटी बच्ची को, तो कहाँ से दिए हैं ये तो मुझे पता चल ही रहा था कि इसने कोई कोलैब के हिजाब दिए हैं। और जब मैंने उसको देखा कम्फो, तो मैंने उसका इंस्टा हैंडल देखा तो मुझे पता चल गया ये कौन है। तो ये जब कानपुर गई थी, आपको इसकी फोटोग्राफ देख के समझ आ गया होगा जो सभा के रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं, जब ये कानपुर गई थी थोड़े दिन, मतलब मोहदा गई थी, तो मोहदा से कानपुर भागी थी, हमें कुछ काम है कानपुर में, तो वहाँ ये लड़की इसको हिजाब के पैकेट देने आई थी। बेसिकली जब ये जमशेदपुर जाने वाली थी तो उसे मैचिंग हिजाब चाहिए थे, तो इसने वहाँ से कुछ ऑर्डर किए होंगे और बहुत सारे इसे फ्री में मिले होंगे, उसने एज अ गिफ्ट दे दिए थे इस लड़की ने, कॉम्फो की ओनर ने। तो अब इसके पास फ्री का माल तो बहुत बटोरती है, जैसे कोई देता है ना इसको फटाक से पकड़ लेती है और दूसरों को नहीं देती, कहती है गिव अवे करेंगे फ्रेंड्स, गिव अवे करेंगे, लेकिन ये सिर्फ लोगों से गिव अवे करवाती है, उनके फटाफट गिफ्ट पकड़ लेती है, चाहे कोई चॉकलेट पकड़ा रहा हो, चाहे चूड़ियाँ पकड़ा रहा हो, चाहे कोई और गिफ्ट पकड़ा रहा हो। और अब यहाँ पे देखो कि इसके ससुराल में देखा जाए तो कौन लोग हैं, सिर्फ सनी है, सनी की बहन है, बहन की फैमिली हुई और सास ससुर, इतने ही लोग हैं, दो भाई बहन ही हैं सिर्फ। तो सास ससुर तो चलो बड़े हैं, उन्हें लालच नहीं होगा चीज़ों का, या उन्हें तो जैसे भी मतलब रहेगी ठीक ही है, लेकिन बहन से इसका रिश्ता कभी भी ठीक नहीं रहा, ये आप सबको पता ही है। बहन ही थी जो मना कर रही थी शादी में शादी ना होने के लिए सनी की इससे। और तो अब जब शादी हो ही गई है तो बहन से रिश्ता अच्छा करना चाहिए ना इसे, कि चलो उस टाइम वो समझ नहीं पाए इसे, लेकिन शायद ये बहुत अच्छी है और अब इसको मौका मिल रहा है उनसे रिश्ते अच्छे बनाने का, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के उनके लिए कुछ करना चाहिए। बबली के लिए तो इन्होंने इतना बड़ा केक शेक बना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको कुछ कुछ बना बना के दे रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है रात के 12-12 एक एक बजे तक। और लेकिन जब बाजी आई हैं तो जिस दिन बाजी घर में उतरी हैं ये सीधा जाके सो गई, सो गई, इफ्तारी करने नीचे आई, उसके बाद सीधा बेटी खाला नानी के घर भाग गई। अब उसके बाद बच्चे जब घर में खाना खा रहे थे तो बच्चों की मम्मी, बच्चों की नानी खाना खिला रही थी, जो इसकी सास है, वो तो आप सबने देखा है पुराने ब्लॉग्स में बात हो चुकी है, लेकिन और ऊपर से इन पे ऊपर चढ़ रही थी, अरे तुमने वेट नहीं किया, अरे सनी भी अलग, सनी अलग, तुमने मामी का वेट नहीं किया, मैं मामी को लेने गया था, अरे मामी बैठ के मैं चाय बनवा रही थी, चाय पी भी नहीं रही थी, पी रहा हो ना इंसान तो चल भाई बन गई है तो पी ले, लेकिन बनवा रही थी, अब मैडम जी की चाय बनेगी उसके बाद वो पिएगी, उसके बाद फिर उसका और मन करेगा बातें करने का। और वहाँ ऐसे बोलती है कि इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना, कितने दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद, मुश्किल से 4-5 दिनों बाद, तो उसमें भी तुम्हें इतना लग रहा है, जो तुम्हारी ननद आई है, सगी ननद इतनी दूर से आई है, उनके लिए तुम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल रहे हो। और इनका ना ईद पे, ईद तक व्लॉग इनके सही से ही आते रहे, ईद के बाद ये बिल्कुल गायब हो गई। और जो पुराना व्लॉग है ना जिसमें ये मेकअप के पैकेट्स खोल खोल के दिखा रही थी, ये पुराना रिकॉर्डेड था, क्योंकि इसने पुराने व्लॉग में जो एंडिंग की थी वो इन्हीं कपड़ों में थी, और जो इस व्लॉग में जो ये कंटेंट शूट किया था अनबॉक्सिंग का, वो सेम कपड़ों में थी। बाद में उसे लगा होगा मैं फ्री में अकेले अनबॉक्सिंग क्या करूँ, फिर बेटी खाला आ गई होंगी, तो क्योंकि उसी ड्रेस में बैठी हुई थी और उसी ड्रेस में इसने अनबॉक्सिंग की। अब वो वाला पार्ट क्या होता है ना, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो बहुत सारा शूट करते रहते हैं डेली का, कि जब कब कहीं ज़रूरत पड़ जाए कहीं भी ऐड कर देंगे, या कुछ भी इंटरेस्टिंग और नहीं मिला तो यही दिखा देंगे ऐसे करके। तो इसके पास शूट्स के क्लिपिंग्स तो होंगे, तो इसने वो सब दिखाए, लेकिन जो लेटेस्ट ब्लॉग है इसका, उसमें इसने दो ही क्लिपिंग रेगुलर थे, एक तो ब्लैक कलर का जो अबाया टाइप इसने पहना है उसमें भी मतलब 2 मिनट, अभी हम ये करेंगे ईद के बाद, हमें टाइम ही नहीं मिला, ऐसे टाइम निकल जाता है। और ईद के बाद से आपने देखा होगा ये नीचे उतरी ही नहीं लड़की, ये ऊपर ही बैठी रही, ऊपर ही इसने सारी कुकिंग की है, ऊपर ही अपने अनबॉक्सिंग की है, बेटी खाला भी ऊपर आके मिल रही है, बच्चे बच्चे जो भी आए वो ऊपर ही रहे, ये नीचे जाती ही नहीं है, पता नहीं किस बात की इसे घबराहट है। और सनी को लेके वापस आ गई है मुंबई,
सनी की बहन वही आई हुई है, और जो फॉरन से आता है वो 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं आता, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 महीने के लिए, इससे ज्यादा नहीं आया होगा क्योंकि उनके जॉब्स होते हैं। तो इतने दिन भी वहां रहने नहीं दिया सनी को, अकेली आ जाती वापस। अकेले भी तो जाते हैं लोग, ट्रैवल करते हैं। जब भाग के भोपाल गई थी अपने सनी की सच्चाई बताने, तब कुछ नहीं, और अब तो बेटी खाला है, नानी है, पूरी फौज है इनके पास, आ जाती नहीं, सनी को साथ लेके आएंगे। क्योंकि बहुत सारी औरतें होती है ना, वो ऐसे कंट्रोल करके रखती है कि वो फ्रीडम देती ही नहीं है, उन्हें चाहती नहीं कि वो अपने माँ बाप के साथ थोड़ा भी वक्त बिताए। तो अब यहाँ देखिए, तो ये कहने का पॉइंट ये था कि इसने अपना जो कोलैब के चीजें आई हुई ना, वो उठा के इसको पकड़ा दी। अगर तुम एक छोटी बच्ची को हिजाब के पैकेट देने का क्या मीनिंग है, या तो ये कहती कि भैया बाजी आती नहीं है ब्लॉग में, ये बाजी के लिए है और तुम ले लो, मतलब बाजी को दे देना, नहीं ये इसको दे रही है, या तो इसका हिजाब के ऊपर ड्रामा मचा होगा घर में, या कुछ तो लड़ाई हुई है इनकी, क्योंकि जिस तरीके से घबरा के इसने 2-4 सेकंड की क्लिप लगाई थी घर से निकलते निकलते की, उससे पता चल रहा है ये बहुत बड़बड़ा के ही भागी है, और जिस हालत में घर छोड़ के गई है आप देखना। वो भी ये देखो, ब्लैक कंबल, ये चुन्नी, दुपट्टा, ये सब वहीं पड़ा हुआ है। और तो और ये जो बिसलरी की इतनी सारी बॉटल, मुझे ये समझ नहीं आता कि गांव वगैरह में तो पानी अच्छा ही आता है, बॉम्बे में समझ में आया, मीरा रोड में नहीं आता होगा ठीक पानी, तो बिसलरी पीते होंगे ये। मोहता में जाके इतनी महारानी बनते हैं कि मुझे बिसलरी से नीचे पानी पीना ही नहीं है भाई, हम तो प्रिंसेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, हम ऐसे थोड़ी पानी नल का पी लेंगे, हम थोड़ी ऐसे कुएं का पानी पी लेंगे, और जो भी टैप वाटर आता है वो पियेंगे, हमें तो भाई बिस्लरी चाहिए डार्लिंग, हमें बिस्लरी चाहिए। और ये देखो नीचे प्लेट जो रखी है ना स्टील की, वो इसके जो सनी ने इसको गिफ्ट किया था ईदी, जिसमें मेकअप का सारा सामान निकला था, वो भी इसका इधर उधर से आया होगा, वो सब इकट्ठा करके इसी ने बांध दिया होगा, सनी को एक स्टोरी बता दी होगी क्योंकि ये इनके काम है। तो वो प्लेट भी जमीन पे रखी हुई है, वो भी नहीं उठाई गई है। तो इस तरीके से जो निकल के भागे हैं ये, वरना तो जैसे बोलते हैं ना, आराम से बताते हैं हम जाने वाले हैं, अब हम जाएंगे, हमें अम्मी की याद आ रही है। एक और चीज मैं बताना भूल गई, ये रुहान की पहली ईद थी राइट, और पहली ईद मतलब पहला बच्चा है तुम्हारा बड़े भाई का, तुम्हारे एक ही भाई है, पहला बच्चा है फैमिली में जो सेकेंड जनरेशन में आया है, और उसकी पहली ईद तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसने एक बार भी फेस टाइम करके अपने भाई भाभी को बधाई नहीं दी, कंग्रेचुलेट नहीं किया, और रुहान को ईद विश कर नहीं किया। मतलब तो रुहान छोटा बच्चा है, लेकिन पेरेंट्स को तो बोलना चाहिए ना कि ईद मुबारक, और अगर ये ऐसा करती तो जरूर दिखाती, तो विच मीन्स नहीं किया है क्योंकि सब कुछ दिखाती है, और पापा को भी नहीं किया होगा। चल पापा को करा नहीं करा, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसको 2 मिनट साइड में रख दो कि चल पापा का नहीं दिखाया होगा, लेकिन रुहान का तो ये सारा कवर करते हैं, उसके लिए झूला लेने जा रहे हैं, पालना लेने जा रहे हैं, लास्ट मिनट पे तो ईदी का सामान उसको देना था, वो याद आया था कि हम होंगे नहीं, तो मैं लास्ट मिनट पे मॉल बंद ना हो जाए मैं भाग लूँ, वहां पे मिल जाएगा कुछ भी। तो ईद के दिन तो उसको विश करना चाहिए था ना फेस टाइम करके, जैसे अम्मी को तो विश कर रही थी, अम्मी का तो बड़ा फटाक से दिखा दिया कि अम्मी कैसी हो, ईद मुबारक, हमें याद आ रही है बहुत अम्मी, यहाँ पे कोई हमें पूछता नहीं है, मैं 4 दिन से ऊपर बैठी हूँ अम्मी। क्यों बेटा क्या हो गया, नीचे जाओ। नहीं अम्मी मुझे घबराहट होती है। तो ये तो मतलब ऐसे जब खुद इंसान करेगा तो घर वाले अपने आप दूर हटने लगते हैं, क्योंकि देखो दोनों साइड से एफर्ट करोगे ना तभी रिश्ते सुधरेंगे। अगर बहन को थोड़ी नाराजगी है तो ये अपनी तरफ से एफर्ट कर ले। हाँ तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो इसने अपनी बहन सनी की बहन की बेटी को हिजाब का पैकेट दे दिया। अब देखो रिश्ता बनाते हैं ना तो थोड़ा सा एफर्ट लिया जाता है, इसके लिए बच्ची के लिए किसने कुछ खाना बनाया स्पेशल, सनी को पनीर खाना है क्योंकि ये लोग ना पनीर मतलब नॉनवेज खा के थक गए। तुमने बच्चों के लिए कुछ एफर्ट किया, बाजी तो तुम्हारे नहीं आती, और बाजी के हस्बैंड को खीर खानी थी, तुमने बोला हमारे हाथ की, तुम दिखाते तो सही, बाजी नहीं आती, बाजी के हस्बैंड तो आते हैं, तुम्हारे हाथ की खीर खाई नहीं खाई, तुम लेके गई सर्व किया नहीं किया, कुछ तो दिखाती। और उसके बाद एक और चीज कि बच्चों को बच्चों के हिसाब से चीज दी जाती है या कुछ भी उठा के दे दिया जाता है, उसको छोटी बच्ची है उसको कुछ अच्छा सा कुछ स्टेशनरी टाइप का सामान देते हैं, रिजा को तो भर भर के स्टेशनरी, वो 18 साल की हो गई 19 साल की हो गई उसको देते रहते हैं, ये बच्ची है स्टेशनरी टाइप की एज की, उसको अच्छा सा कोई बैग पैक देते या कुछ भी मतलब स्टेशनरी रिलेटेड देते, कपड़े वपड़े दिला देते या जूते दिलाते हैं उसकी पसंद के। चलो माना कि जूते और कपड़े जो फॉरन में रहते हैं ना लोग वो नहीं पसंद कर रहे होंगे मोहदा से लेना, लेकिन स्टेशनरी दिला देते हैं, कुछ भी और चीजें इस टाइप की बाजार में ले जाती है उसको,
सनी के साथ और उसकी पसंद की कोई भी चीज दिला देती। ऐसे छोटे लड़के को भी उसको उसने क्या किया और भी बेकार, लड़के को तो उठा के उसने एक चॉकलेट का पैकेट उठा के दे दिया, डब्बा जो बिस्किट चॉकलेट का पैकेट था। मतलब इतना इतना तो तुम ऐसे जो अड़ोसी पड़ोसी ईद विश करने आता है ना उसको दे दिया जाता है कि एक चॉकलेट का ये डब्बा पड़ा हुआ है उसको दे दो। और जो घर के इतने इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है जो इतनी दूर से आए हैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ ईद मनाने, उनको तुम ऐसा रखा हुआ सामान पकड़ा दिया जो उनके मतलब का भी नहीं है। तो अगर इसका ये हाल है, वैसे तो कहते हैं ये सब करना चाहिए अपनों के लिए, प्यार बांटना चाहिए फ्रेंड्स, तो इनका जो प्यार है ना इसका, इसकी अम्मी ने जो सिखाया, जो कहते हैं ना कि लड़कियां वही सीखती हैं, जब बच्चे वही सीखते हैं जो घर में हो रहा होता है, तो इसकी अम्मी ने भी यही किया है, अपने मायके वालों की तरफ ही सारा झुकाव रहा है और इसके पापा की साइड वालों को तो उन्होंने काट ही दिया है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, मायके वालों के लिए तो बेटी खाला के लिए सूट दिलाएंगे पसंद करके, वो ठीक है, वो उनको काम भी बहुत कराते हैं जबरदस्ती, सारा अपना पुराना सामान इनके घर भिजवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर थोड़ा तो खर्चा किया जाता है। जो सनी की बहन है उसके लिए क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। सनी के बहन के हस्बैंड है उनका भी कुछ नहीं दिखाया कि उनके लिए स्पेशल कोई कपड़े वपड़े जूते वूते दिलाए जा रहे हैं, तो सनी दिला ही सकता था ना उन्हें, ले जाके किसी दिन किसी अच्छी शॉप पे ले जाता कानपुर रामपुर में या कहीं पे भी, तो वो कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। क्या किया है, वेरी फर्स्ट डे जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो एयरपोर्ट से बेचारे कोई ट्रेवल करके आ रहा है सीधा तुम मॉल में ले जाओ, उनका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, उन्हें मन करेगा कि मैं एक साल बाद आई अपनी माँ से मिलूँ, मैं अपने घर जाऊँ, थोड़ा चेंज करूँ, फ्रेश हूँ, थोड़ा आराम करूँ। उस टाइम हबड़ तबड़ में जो कर दिया, उसके बाद से इनका क्या हुआ इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। और या तो ये इसने बोला होगा कि भैया मेरे को हिजाब के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये सनी की बड़ी बहन है जो वो हिजाबी है, ट्रू हिजाबी है, और इससे आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल भी ब्लॉग्स में नहीं आ रही है, शक्ल भी नहीं दिखा रही, बात भी नहीं कर रही है, तो और फोटो में कहीं पे भी नहीं दिखती है, तो ये होता है ट्रू हिजाबी। तो उन्हें लगा हुआ, सनी को सुनाया होगा उन्होंने या तो कि भैया तेरी बीवी हिजाबी है कि क्यों नाटक कर रही है, क्योंकि जो हिजाब मानता है ना वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, तो उसे तो गुस्सा आएगा ना कि घर में एक इंसान है जो हिजाब करता रहता है और ढंग से हिजाब लेता भी नहीं है और मजाक बनाया हुआ है, तो हो सकता है उन्होंने सुनाया हो, इसीलिए वो दो दिन से एक ब्लैक अबाया, और जब वो जाने लगी थी ना मुंबई तो वो रेड भालू बनी हुई थी, रेड अबाया पहन के, तो ये दिखा रही हो कि अच्छा मैं तो अब ऐसे घूमूंगी, और इसीलिए उसने हो सकता है बेटी को अब वो दे दियो हिजाब की, तो अपनी माँ को भी पहनाओ और खुद भी पहनो और सारा खानदान पहनो हिजाब और मुझे मत बोलो। तो जैसे ही मुंबई पहुंची है रेलवे स्टेशन से, इसका वो अबाया उतर गया और अपने असली पोशाक में आ चुकी है, सर से जो सर की धीरे धीरे, तो अब यहाँ पे देख लीजिए चुन्नी और बाल और सब कुछ निकल आया और अपना हाथ से अपना रिकॉर्डिंग करते करते चल पड़ी है। और अब ये देखना है कई महीने तक मादा नहीं जाएगी, क्योंकि ये कहेगी नहीं मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था सनी, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। और हाँ सनी भी, सनी को देखो थोड़ी बहुत तो मतलब फ्रीडम हर इंसान को मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे ये अपनी चलाती है पूरी, अपनी मर्जी से जीती है, अपनी मर्जी से पूरा डे प्लान करती है, आधी रात को इसको केक बनाने होते हैं, सनी बैठा होता है आधी से ज्यादा टाइम, आधी रात को इसको अपने आइस चैलेंज खेलने होते हैं, तो सनी इसकी बात सुन रहा है, तो इक्वालिटी की बात होती है ना कि अगर तुमने मेरी बात सुनी तो मैं भी तो तुम्हारी बात सुन लूं। वहां पे जाके अगर यार दोस्तों के साथ बैठ रहा है, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, या हो सकता है दो चार दिन रहना भी चाहता होता तो रहने देती, इतनी क्या आफत आ गई, लेकिन इसको पूरा कंट्रोल करके रखना है। और अब वहां जाके ये ब्लेम भी करेगी कि तेरी वजह से मेरी तबीयत खराब होती, तेरी वजह से, तो जो कंट्रोल कर रही है ना ये, इसको ये पता नहीं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि ससुराल वाले भी इसे देख के समझ जाएंगे ना कि ना ये उनके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहती है ना उनके साथ रहना चाहती है, तो वो भी इससे दूर होते जाएंगे। मायके वाले तो ऑलरेडी दूर हो ही चुके हैं, उन्होंने तो किसी तरीके से मतलब सबको समझ आ ही गया है, जब बाहर वालों को समझ आ जाता है ना तो इसका मतलब अंदर वालों को तो उससे पहले समझ आ चुका होता है कि मायके में अब इसकी ना कोई इज्जत रह गई है ना कोई इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भाई भाभी दूर हो चुके हैं, माँ बिल्कुल परेशान हो चुके हैं इससे, पिताजी बेचारे ऊपर रहते हैं तो और तो बचा ही कौन, बेटी खाला ये सब सिर्फ पैसे के चक्कर में है, जब तक उन्हें फ्री गिफ्ट मिलते रहेंगे इसके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, जब मिलना बंद हो जाएगा तब वो सब बिल्कुल अपनी अपनी दुनिया में हो जाएंगे। नानी को देख लीजिए, नानी ना मेहर से प्यार करती है, ना रिजा से प्यार करती है, ना रेहान से प्यार करती है, कभी हमने नहीं देखा कि उनको गीली चुमियाँ देते हुए, उनको चिपकते हुए, उनको बड़ा आशीर्वाद देते हुए, लेकिन इसको तो देखते ऐसे लपक लपक के आती हैं और बेटा औलाद दे तुम्हें ये दे वो दे, रिजा को तो कभी ना वो नहीं बोला कि
गोदी में बैठ, या ला तेरे को चुम्मी दो, या तेरे लिए चाय बना दू, या तू एग्जाम में फर्स्ट आ, कुछ भी नहीं बोला। तो ये सब पता चलता है ना, लालच अपने मतलब के लिए ऐसा प्यार मोहब्बत बरस रहा है। तो इसको अपने आप को समझ आ जाना चाहिए कि इसकी ससुराल में अभी तक इतनी इज्जत हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से भी एफर्ट डाले। जस्ट एक होता है ना मोमेंट ऑफ कन्वीनियंस, कि अभी यहाँ कन्वीनियंट लग रहा है, यहाँ मुझे आराम लग रहा है, तो तुम यहाँ कंफर्टेबल होना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर का तो सोचो। यूट्यूब के भरोसे तुम सारे टाइम चलेगा नहीं ना, क्योंकि यूट्यूब कितना चलेगा, जिस दिन बंद हो जाएगा फिर उसके बाद लोग अपने असली रंग दिखाने लगेंगे। तो इसको अगर अभी भी नहीं समझ आया तो फिर इसके लिए इसका खुद का ही नुकसान है। और ये बच्ची बनने की जो एक्टिंग करती रहती है ना, बच्ची जैसी आवाज़ निकालना, वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। तो ऑब्वियसली जब हमें 15-20 मिनट में ही इरिटेटिंग लगता है, तो जो इसके साथ रह रहा है स्पेशली सनी, उसको कितना खराब लगता होगा। तो वो भी उसकी हरकतों में, उसकी आवाज़ में और उसके बिहेवियर में भी झल्लाहट दिखने लगी है। तो सोचो 1-1.5 साल के अंदर, 1.5 साल भी अभी शायद बस हुआ ही है, तो उसमें अगर तुम्हारा हस्बैंड इतना झल्ला रहा है तुम पे, तो आगे कितना खींचेगा। तो बस यही कहना चाहती थी, बेसिकली मैं यही बताना चाहती थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैंने देखा कि जब इसने हिजाब का अपना कोलैब में आया हुआ पैकेट उठा के दे दिया एज अ गिफ्ट अपने नेफियो को, अपनी नीस को, सनी के जो बहन के बच्चे हैं, तो मतलब कितना लो एफर्ट वाला काम था। कि तुम थोड़ा सा ढंग के गिफ्ट नहीं ला सकते? एक्सपेक्ट तो ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब और किसी को नहीं तो अपनी भाभी से ही सीख ले। इसकी भाभी दीपिका कक्कर इसके लिए गुची का पर्स, चले भले नकली लाई हो, जैसा भी लाई हो, गुची का पर्स लेके आती है, अच्छे से गिफ्ट में देती है, कभी डायमंड का नेकलेस भी दिया भी रिसेंटली, कपड़े वपड़े भी थोड़े ढंग के लेके आती है, देती है। तो जैसे ये दीपिका की ननद है, ऐसे ही तो वो भी इसकी ननद है, तो उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो अगर ये अभी भी नहीं सीख रही, इन्हें लगता है सिर्फ सारा पैसा हमारा है, हम फ्री की चीजें बस बांटते रहे, जैसे मामा अर्थ का पैकेट उन्होंने नेहा को बांट दिया था, वो तो चलता है, चलो डिस्टेंस वाली कजन है, चल जाएगा कि उसमें तो चल जाता है, लेकिन जो तुम्हारी सगी रिश्ते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंडेड वाले हैं उनमें तो चल जाता है कि थोड़ा बहुत तुम फ्री के गिफ्ट्स इधर उधर से आए हुए हैं वो चला दो, लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशन होता है उसमें तुम ज्यादा एफर्ट करते हो और उसमें तुम अच्छी से अच्छी चीज देना चाहते हो, क्योंकि स्पेशली तब जब तुम्हें देने के मौके ही बहुत कम है। अगर बिल्कुल सेम मोहदा में रहते हो और तुम्हें हर महीने 2 महीने देना है कुछ, तो भी समझ में आ जाता है कि चलो कभी कभार तुमने हल्का दे दिया, लेकिन तुम साल में एक बार आ रहे हो और इतना बड़ा फेस्टिवल है, तुम्हारा बिगेस्ट फेस्टिवल है, उसमें तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो सामने वाले को भी समझ आ जाएगा कि तुम उनकी बेसिकली इंसल्ट ही कर रहे हो एक तरीके से। तो चलिए गाइस, इतना ही कहना था। आप अपने ओपिनियन जरूर देना कि मेरा मेरा ओपिनियन इनके लिए गलत था या सही था, इसने जो हिजाब दिए छोटी बच्ची को ये गलत दिए या ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, दे तो दिया कुछ भी दिया। आप बताना अपना ओपिनियन क्या कहना है आप लोगों का। एंड इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।